सब्सक्राइब कीजिए मैजिक हेल्थ टिप्स चैनल को हेल्थ वीडियोस की सबसे सही और सच्ची जानकारी के लिए। दोस्तों, ल्यूकेरिया, जिसको कि कुछ लोग लिकोरिया नाम से भी पुकारते हैं, यह महिलाओं में होने वाली आम बीमारी है। दोस्तों, आज हम इसी बीमारी पर चर्चा करेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बीमारी से निपटने के कुछ घरेलू तरीके बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि यह बीमारी क्यों हो जाती है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। दोस्तों, इस बीमारी में मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें से चिपचिपा, दुर्गंधयुक्त और गाढ़ा पानी बहता रहता है। जब यह बीमारी किसी महिला को होती है तो वह शर्म और संकोचवश किसी को बता नहीं पाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि यह बीमारी और बड़ी हो जाती है। दोस्तों, ल्यूकोरिया को सामान्य भाषा में श्वेत प्रदर या फिर सफ़ेद पानी भी कहते हैं। इस रोग से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप पार्ट वन के वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो का पार्ट वन भी है, जिसको कि मैंने पहले ही वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया है, आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपको इस बीमारी से निपटने में मदद करेंगे। दोस्तों, सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखें और समझें। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपके पेट में है। यहाँ पर आप अपने अंगूठे की मदद से दबाएंगे और जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसी प्रकार से दबाएंगे। तो ये आपकी नाभि है, यहाँ से आप इस प्रकार से नीचे की ओर तीन अंगुल नाप लेंगे, एकदम बिल्कुल बीच में, नाभि से एकदम सीधे में बीच में तीन अंगुल नाप लेंगे, इस प्रकार से एकदम सीधे में देख लीजिए, और वहीं पर अपने अंगूठे की मदद से आपको इस प्रकार से प्रेस करना है। दोस्तों, ये प्रेस करने का जो तरीका है ये थोड़ा सा जटिल है, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें आपको करना क्या है कि जब आप अपने अंगूठे की सहायता से इसको प्रेस करेंगे तो आपको सांस लेते हुए इसको प्रेस करना है। सांस की भी इसमें वैसे ही ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है, सांस खींचना है। जब आप सांस छोड़ेंगे तब फिर आप प्रेस करेंगे, फिर वहाँ पर होल्ड करेंगे, फिर आप सांस लेंगे, फिर जब आप छोड़ेंगे तो फिर थोड़ा सा और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। इस प्रकार से आपको जब आप सांस छोड़ेंगे तभी प्रेस करना है अंदर की तरफ, और जब आप सांस ले रहे हो तो वहीं पर आपको होल्ड रखना है। दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा सांस को अपना कंट्रोल करना पड़ेगा और बिल्कुल तब तक दबाना है जब तक कि अब आपको लगे कि अब इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। दोस्तों, इसमें थोड़ा ध्यान रख करके दबाएंगे, आराम से आप जो सांस जब आप छोड़ते हैं तभी आपको दबाना है, नाभि से तीन अंगुल नीचे। अब दोस्तों, हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ये भी हमारे पेट के पास ही है। इसमें क्या करना है कि नाभि के दोनों साइड में इस प्रकार से तीन अंगुल आप नाप लें, नाभि से एकदम सटा करके इस प्रकार से तीन अंगुल ऐसे करके नाप लें, और फिर उसके बगल में इस प्रकार से अंगूठे की सहायता से आप दबाएंगे। इसमें भी दोस्तों उसी प्रकार से सांस जब छोड़ेंगे तब दबाएंगे, और जब ले रहे होंगे तभी वहाँ पर होल्ड करेंगे, फिर से जब छोड़ेंगे फिर से उसको और आगे अंदर की तरफ दबाएंगे, और फिर से जब सांस ले रहे होंगे तो होल्ड करेंगे, और इस प्रकार से तब तक दबाएंगे उतना ही दबाव देंगे जितना आपको लगे कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर वहाँ पर थोड़ी देर तक आपको होल्ड करना है। दोस्तों, इसका एकदम दबाने का पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और दबाने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, उसी प्रकार से करना है। तो सांस जब छोड़ेंगे तो उसको दबाएंगे, फिर जब सांस जब आप ले रहे होंगे तो वहाँ पर आपको दबाव को एकदम उसी प्रकार से रखना और होल्ड रखना है, और उसके बाद फिर आगे की तरफ दबाना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी दबाएंगे। तो दोस्तों, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट पर आपको एक मिनट तक दबाना है, और ध्यान ये रखना है कि दोनों साइड में आप एक साथ दबाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ऐसे करके मसाज दे सकते हैं एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, ताकि आपको वहाँ पर थोड़ा सा आराम महसूस हो। दोस्तों, इसके लिए आप किसी अपने मित्र की भी मदद ले सकते हैं, किसी रिश्तेदार की मदद भी ले सकते हैं दबाने के लिए, और चाहे तो खुद भी दबा सकते हैं। अब दोस्तों, हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो आपके बम्पर है। इसमें दोस्तों क्या करेंगे कि बिल्कुल बीच में आप बीच से जो जहाँ पर कि बीच है आपके बम का, वहाँ पर से आपको दो अंगुल नापना है। तो ये जो बीच है आपका, यहाँ पर से ऐसे करके दो अंगुल ऐसे नाप लेंगे, और बिल्कुल बीच में, यहाँ पर बीच दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल बीच में आपको अपने दोनों अंगूठे की सहायता से प्रेस करना है। दोस्तों, ये वाला एक्सरसाइज आप खुद से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको किसी अपने मित्र या रिश्तेदार की मदद लेनी ही पड़ेगी।
क्योंकि ये बैक साइड है, यहाँ पर आप अपने अंगूठे से उस तरह से प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बस आपको दो एक मिनट तक आपको प्रेस करना है। अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये दोस्तों आपके पैर में है। पैर में दोस्तों क्या करना है आपको कि आप जो ये वाला हड्डी देख रहे हैं, ये वाला गोल वाला हड्डी होता है यहाँ पर पैर के टखने के पास, यहाँ से चार अंगुल ऊपर की तरफ यहाँ पर नापेंगे और अपने अंगूठे के सहायता से वहाँ पर आपको दबाव डालना है। यहाँ पर भी दोस्तों एक मिनट तक दबाव डालना है आपको। ध्यान से पॉइंट देख लें, जो हड्डी है वहाँ पर से चार अंगुल ऊपर बिल्कुल यहाँ पर बीच में आपको दबाव डालना है। दोस्तों इस जगह पर भी आप एक मिनट तक दबाव डालेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इस पर आप मसाज दे सकते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। दोस्तों ये था आपका अगला पॉइंट। दोस्तों पॉइंट में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम पेट वाला एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम पीछे करेंगे, उसके बाद फिर हम पैर पे एक्सरसाइज करेंगे। ये सब आपको सीरियल वाइज करना है और एक एक मिनट तक हर पॉइंट पर आपको दबाना है। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपके कान में है। कान में जो आप ये उठा हुआ भाग देख रहे हैं, अंदर में जो ये उठा हुआ भाग है, ये वाला पॉइंट ठीक से देख लीजिए, ये उठा वाला जो अंदर में भाग है, बस इसी भाग पर आपको अपने अंगूठे की सहायता से दबाना है। अंगूठे और जो एक उंगली और है आपकी तर्जनी, उसकी सहायता से इस प्रकार से पकड़ लें और आप उसको इस प्रकार से दबाएं। ऐसा आपको दोनों कानों में करना है। दोनों कानों में एक मिनट तक आपको इस जो उठा हुआ भाग है नीचे में, अंदर में, नीचे की तरफ अंदर में, वहां पर आपको दबाना है। मैं दूसरे साइड से भी आपको एक बार दिखा देता हूं। बिल्कुल ये वाला जो उठा हुआ भाग है, बिल्कुल इसी भाग पर आपको अपने अंगूठे और उंगली की सहायता से इसे दबाना है। इसको आप किसी भी प्रकार से दबा सकते हैं, इस तरह से घुमा के भी पकड़ सकते हैं या फिर इस प्रकार से सीधा भी पकड़ सकते हैं। तो इस लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो उठा हुआ भाग है उसी पर दबाव पड़े। तो इस प्रकार से आप अगर पकड़ेंगे तो आसानी से आप पकड़ पाएंगे और आसानी से आप यहाँ पर दबाव दे सकते हैं। तो दोस्तों इस जगह पर भी आपको इसी प्रकार से दबाव देना है, एक मिनट तक दबाव देना है, उसके बाद आप इस पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं। दोस्तों यह बीमारी महिलाओं में बड़ी आम है और महिलाएं शर्म और संकोच की वजह से इसे किसी बता नहीं पाती हैं शुरुआती दौर पर, और फिर आगे चलकर यह बीमारी बड़ी भी हो सकती है। इसीलिए इसको शुरुआती दौर में ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों जो एक्सरसाइज मैंने आपको ल्यूकोरिया की इस वीडियो में बताई है, वही एक्सरसाइज आपको डेली सुबह और शाम करना है। इनिशियल में आप एक मिनट तक हर पॉइंट पर दबाव देंगे और जब दो चार दिन आप कर लेंगे तो फिर आप इसको दो मिनट तक बढ़ा सकते हैं हर पॉइंट पर दबाव को। दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 7 से 10 दिन तक जब करेंगे तब फिर आपकी जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक होने लगेगी, और जब ये एक बार ठीक हो जाएगी उसके बाद यह बीमारी आपको दोबारा नहीं होगी। दोस्तों ल्यूकोरिया, जो कि सफ़ेद पानी या श्वेत प्रदर के नाम से भी आम भाषा में जाना जाता है, इस बीमारी में आपको जो बताया है मैंने एक्सरसाइज, उसके अलावा कुछ बातों का भी ध्यान रखना है जो कि आपको इस बीमारी से होने से भी बचाएगा, और अगर ये बीमारी हो गई है तो उसमें भी काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों इस बीमारी में आपको साफ़ सफाई रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो अपना जो मूत्र मार्ग है उसको हमेशा साफ रखें और कभी भी उसमें इन्फेक्शन नहीं होने दें। पीरियड्स के दौरान साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, हर 4-6 घंटे में पैड बदलते रहना चाहिए। इसके अलावा आप सूती वस्त्रों का प्रयोग, जो अंडरगारमेंट्स आप यूज करते हैं उसमें आप सूती वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जो सूती वस्त्र वाले बेस के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसका प्रयोग करें, और इन वस्त्रों को भी दिन में कम से कम 2 बार अवश्य इसको बदलें। इसके अलावा आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं में जो अविवाहित महिलाएं होती हैं उनमें अगर पोषण की कमी हो जाए तो भी ये बीमारी उनको हो जाती है। ल्यूकोरिया के केस में अक्सर देखा गया है कि अविवाहित महिलाओं में जो संक्रमण होता है वह या तो खाने पीने में कमी की वजह से होता है या फिर साफ़ सफाई में कमी की वजह से होता है। तो खाने में कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो, इसके लिए आप केले का नियमित सेवन कर सकते हैं, अंजीर का सेवन करें, 2-3 अंजीर को रात भर पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उसको पीस कर अच्छे तरीके से पानी के साथ ही उसका सेवन करें, तो फिर आप इस बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं। साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस कुछ बातें हैं जिसको अपनाकर आप बड़ी ही आसानी से इस छोटी सी बीमारी को बड़ा बनने से रोक सकते हैं और आसानी से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं।
दोस्तों कुछ महिलाएं हैं जो कि अस्वस्थ आहार, अधिक नमकीन, खट्टे या चटपटे और चिकने तथा मांस मदिरा का अधिक सेवन करती हैं, उनमें ल्यूकोरिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप इन सब में से किसी आदत के शिकार हैं तो इन आदतों को कम करने का प्रयास करें या संभव हो तो इसे छोड़ दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बताए गए उपायों को अपनाएं और बड़ी आसानी से इस बीमारी से छुटकारा पाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।